बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और इजी, बहुत ही झटपट बनने वाला फ्रूट केक, जो कि आप बाहर से लेते हैं बहुत महंगा, तो आज घर पर बनाते हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट है, 3 अंडे ले लें और 75 ग्राम आपने चीनी ऐड कर लेनी है और उसको अच्छी तरह बीट कर लेना है। इसके अलावा ये हैं ड्राई नट्स और चेरी है, इसमें खजूर भी मैंने इसमें ऐड कर दी और पाइन एप्पल के चंक्स। तो इसको पहले अच्छी तरह हमने बीट कर लेना है, अंडे और चीनी को। बहुत इजी है, इसमें कोई ऑयल कोई बटर इसमें यूज़ नहीं होना, फिर भी ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो क्योंकि आजकल बुफे में हम यूज़ कर रहे हैं फ्रूट केक, ट्रफल वगैरह में और भी बहुत सारी चीज़ों में, तो सोचा कि ख़ुद ही बना लें तो बहुत आसान और बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और ये देखें, इस कंडीशन में आ गया है और बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी अगर आप बीट करना चाहते हैं तो कर लें। अब इस टाइम पर मैंने इसमें ऐड करना है 75 ग्राम 75 ग्राम फ्लोर ऐड करना है और उसको मैंने हाथ की मदद से, स्पैचले की मदद से मिक्स कर लेना है। अब बीटर नहीं चलाना। और ये जो मैंने ड्राई नट्स रेडी किए हुए थे, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, टूटी फ्रूटी, ये थोड़ा सा 1 चम्मच मैदे का इसमें ऐड करके मिक्स कर लें और फिर इसके अंदर ऐड कर लें। और ये एलुमिनियम फॉइल में मैं ऐड कर रहा हूँ इसको, इसमें बेक करूँगा और ऊपर भी कुछ डाल दिए हैं। और अब ओवन का टेम्परेचर तकरीबन 180 होना चाहिए ऊपर नीचे का। मेरे पास क्योंकि कमर्शियल ओवन है तो इसकी हीट भी प्रॉपर अच्छी खासी होती है, तो इस टेम्परेचर पर ये तकरीबन 20 से 25 मिनट पक जाएगा। बहुत आसान है इसको बनाना, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा बना। यकीनन बहुत मज़े का बनेगा, आपका भी जो मेरा जिस तरह बना है। और टाइम तकरीबन हो गया है और ये इसका फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त पका हुआ है अंदर तक, स्टिक भी बिल्कुल ड्राई निकली है। अगर स्टिक ड्राई निकलेगी तो इसका मतलब है कि हमारा जो केक है वो रेडी है। स्पंज, कोई भी स्पंज या केक आप इसमें इस तरह चेक कर सकते हैं। और लुक, कलर आप देख सकते हैं, माशाल्लाह परफेक्ट कलर है, वही जो मार्केट में आप खाते हैं डिब्बे में जो पैक होता है। और इसकी फ़ाइनल लुक कटिंग मैंने की है, क्योंकि रोज़ा था तो मैं खा नहीं सकता था, लेकिन बाद में मैंने इसको टेस्ट किया, बहुत कमाल का था, बहुत सॉफ्ट और ज़बरदस्त। बग़ैर ऑयल बग़ैर बटर के इसको बनाएं और इंजॉय करें, अपने इफ्तारी में भी सहरी में भी इसको चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपना अपने घर वालों का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।